ਨਿੱਤ ਖੈਰ ਮੰਗਾ, ਨਿੱਤ ਖੈਰ ਮੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਿੱਤ ਖੈਰ ਮੰਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਨਿੱਤ ਖੈਰ ਮੰਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਦੀ, ਨਿੱਤ ਖੈਰ ਮੰਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਦੀ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਅਖੀਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਅਖੀਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ, ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਦੀ, ਨਿੱਤ ਖੈਰ ਮੰਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਦੀ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਦੀ, जगत के जाने माने उस्ताद पद्मश्री पूरन चंद वडाली साहब और उनके सुपुत्र लखविंदर वडाली साहब के लिए खुल के तालियां। लखुभा जी, आपको जैसे पापा जी से आपने गाना सीखा है जी, कभी इन्होंने कहा ना कि मेरे जैसी मुझे भी रखो? कभी नहीं कहा। पापा जी आजकल देखो ये स्टाइल देखो, ये मेरे ताऊ का लड़का है। सनी भैया दिखाना जरा, घूम के दिखाओ, ये सर पे दाढ़ी रखी हुई है, देख लो कैसे कैसे रिवाज आ रहे पापा जी। वाह 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 वाह। लेकिन लखविंदर, आपके पापा जी को जब पद्मश्री मिला था तो वो लेने क्यों नहीं गए थे? एक पापा जी, इनको किस्सा आपने हमें सुनाया था। हाँ? इनको एक मान नहीं रही थी, कहती अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है वाकई। ओ जी ऐसे था भी, वो उन्होंने पद्मश्री भेजा था, चिट्ठी भेजी तो वो साल भर तो पड़ी रही, साल भर। हाँ जी, आजी मैंने कहा क्या लेना, छोड़ो इसको, मैं क्या क्या हमें पता नहीं पद्मश्री क्या होता है। वो साल बैठे के गद्दे के नीचे रख दी पड़ी थी, साल बाद फिर आई थी दोबारा, तो फिर ऐसे लोग बैठे थे देख के, तो कहने लगे थी एक चिट्ठी आपको पहले भी आई है। मैं कह जी आई होगी, तो आप क्यों नहीं जाते लेने? तो नाम मेरा ही लिखा था, मैं कह जो देना है तो दोनों भाइयों को दे, तो मुझे अकेले को ही देते, मैं कह मैं नहीं लूंगा फिर। वाह। वो फिर बोलने लगे, नहीं जी आपके नाम का उस्ताद आप हो, बड़े आप हो, ये डीसी को मिलता तो डीसी को नहीं देते, पहले डीसी को देते हैं। अच्छा। तो जैसे आप बड़े हो, आप गुरु हो, उस्ताद भी हो, आपका ही नाम है तो आपको मिलेगा। फिर कुछ लोग कहने लगे आप ना लोग थे, और भी किसी को दे सकते वो दे दे। ये जरूरी आपका है, बनता है ये लेके आओ। फिर मैं गया जी, फिर वो लेके आए। क्या बात है। पापा जी अभी तो लखविंदर आपके साथ जाते हैं ना, तो अभी तो सब चलो संभाल लेते हैं आपको भी ये, लेकिन जब आप पहली पहली बार जहाज में बैठे थे तो एयर होस्टेस तो इंग्लिश बोलती हैं, है ना, तो आपको समझ आ गई थी बातें उनकी? डर नहीं लगा था जहाज में बैठ के? नहीं जी, पहले पहले लगा था। अच्छा जी। जब मैं बैठा ना, हाँ जी, तो जब मैं बैठ गया तो वो बड़ी दूर चला गया, नीचे भी जो जो बदल थे ना वो, हाँ बादल, जो बादल, हाँ वो ऐसे लगते थे मुझे कि जैसे समुंदर है। अच्छा जी। रंग ही ऐसा बना जी। मैंने कहा अभी अभी क्या करेंगे, ये तो गिर गए तो पता ही नहीं चलेगा। मैंने क्या किया जी, वो जो लड़की थी ना जब, हाँ जी, मुझे जो डर लगता वो ऐसे ऐसे भी काम काम, हाँ जी, उस वक्त मैंने देखा वे पता नहीं गिर कहाँ जाएगा, तो वो उसमें दारू भी देते है ना। वो शीशियां इतनी इतनी शीशी थी, वो ना देखा मैंने तो, वो इतनी कि तो निकलती थी मतलब वो सब शीशी से। मैंने बोला, मैं कहा 14-15 बेटे इकट्ठी करके ना, चौदह पंद्रह, हाँ जी, कहते एक ग्लास में लाओ। वो इतना सा हो गया, जब इतना हो गया मैं कह पी के, जब मुझे तार आ गई ना, मैं कह अभी कहीं भी गिर जाऊंगा ना, पता क्यों भी नहीं लगेगा। भाई ऐसे मतलब आज तो ये सारे लोगों के सवाल हैं जो पूछना चाहते हैं आपसे। ये कह रहे हैं कि जैसे अभी लखविंदर जो है अपने म्यूजिक वीडियो बनाते हैं, इनके पीछे लड़कियां नाचती हैं, तो आपने तो कभी कोई ऐसा वीडियो किया ही नहीं, तो इनका वीडियो देख के आपके दिमाग में नहीं आता कि हमारे टाइम पे ऐसा क्यों नहीं था? देखो जी, हमारे जमाने में जी
अच्छी अच्छी जो वेशभा थी ना उसे हम कंजरी बोलिया करते थे। अच्छा जी। उस वक्त में जो पाकिस्तान के टाइम में हमारे वह गाया करती थी उनके मुजरे लगते थे जी, मुजरे उनके लगने तो देखने आठ आठ दिन रहने होलियों के बीच और दशहरे के बीच, आठ दस दिन का प्रोग्राम होना तो गांव वालों ने देखना। तो कंजरी एक गा रही थी। अच्छा जी। तो गाना क्या गा रही, मेरा दिल भी नहीं लगता तो आँख भी नहीं लगती, दिल भी नहीं लग रहा आँख से भी नहीं लग रही, तो लात से वो लंगड़ी थी। तो गा ये गीत रही, नहीं अड़ियो मेरा दिल भी नहीं लगता तो आँख भी नहीं लगती। एक देख के कहता बेबी जी अच्छी तरह से देख, तेरी से टगड़ी भी नहीं लगती। मैंने अभी कहा कि फाइव स्टार होटल में जाते हैं जो पहली पहली बार गया था तो उसको बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप भी अपने कोई फनी किस्से शेयर कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम शीतल है, मैं आपकी बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी। थैंक यू शीतल जी। मेरे साथ मैं बॉम्बे से ही हूँ। अच्छा जी। मेरे साथ हुआ था कभी 20 साल की जब मैं थी, मुझे इन फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी मिली थी एक इंटरनेशनल एयरलाइन में। अच्छा जी। और मेरा पहला फ्लाइट था वो था ज्यूरिख के लिए स्विट्जरलैंड में। वाओ। और जब मैं वहाँ गई, आठ घंटे की हमारी जर्नी थी, हम इतने थके हुए थे, तो हमें पता चला हमको शेयर करना था किसी के साथ। अच्छा जी। और मेरी जो कुलीग थी वो गोरी थी। अच्छा जी। अब हम जब बाथरूम में रूम में गए, वो तो जाके सो गई और मुझे इतना वो लग रहा था कि ना के मैं सोऊं, बट देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा पूरा ट्रांसपेरेंट था। अच्छा जी। तो अब अभी कैसे वो पता ही नहीं कि कर्टन कहाँ है कि यू नो, और कैसे नहाए जी। फिर जब हम टॉयलेट में गए, टॉयलेट में देखा कि फ्रॉस्टेड ग्लास था। अच्छा जी। तो मैंने कच्चे का बाल्टी लिया, टॉयलेट में गई और नलका ऑन किया और लकली सर्दी था। अच्छा तो पानी गर्म था। अच्छा जी। यूरोप में सब जगह पानी गर्म होता है, वेदर आप टॉयलेट में हो या जा। जी जी। तो टॉयलेट का वो पानी यूज किया, कच्चे के बाल्टी यूज किया और नहाए। अच्छा। और उसके उठने के पहले बाथरूम टॉवल से पोंछ दिया ताकि उसको पता नहीं चले कि गीला हो जाए। बट ये एक सीख मिली कि जब भी कोई नए शहर में जाओ जी, उसकी जांच तो करनी है, स्पेशली होटल की, बिकॉज आजकल इतने मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गए हैं, बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। शुक्रिया मैम। जापान में आप जब बैठते हो तो गर्म है सीट, टॉयलेट सीट गर्म होती है जापान में। क्यों गर्म क्यों रहती है? बिकॉज इट्स सो कोल्ड, इतनी ठंडी है आपके कंफर्ट के लिए। 12 महीने जापान में गर्मी, मैं कभी गया नहीं, नहीं पता नहीं मुझे। जब मैं तो गई थी, अब मैं मार्च में गई थी, गर्म था। और मैं आपको बोलूं उनका टॉयलेट इतना अच्छा है, उनका फैसिलिटी कमोड के ऊपर उनका जो है जहाँ पर पानी फ्लश होता है उसके ऊपर वही पानी वो लोग यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, बेसन के जैसे। अच्छा जी। बेसन बना हुआ है फिर वो। हाँ, और फिर बड़ पर अच्छी बात है ये, अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा, पानी वेस्ट नहीं होता इससे, अच्छी चीज है। अच्छा, इतनी सर्दी रहती तभी सारे ऐसे रहते हैं। शुक्रिया मैम, धन्यवाद शीतल जी। और कोई हमारे दोस्त, माइक दे दीजिए इनको। एक बात मैं कर लूं? हाँ जी। मैं सोच ही रहा था इतनी देर पापा जी चुप नहीं बैठ सकते। हाँ जी जी पापा जी। अब मैडमों की बात हो रही, कोई सिंगापुर गई, कोई कहाँ गई। हाँ जी। दोनों में मियाँ बेबी को घूमने के लिए। हाँ जी। एक का आदमी गुम हो गया बाहर। अच्छा जी। तो वो कहने लगी अपने भतीजे को लेकर चली गई। अच्छा जी। पुलिस वालों के पास थाने चली गई। अच्छा जी। कहने लगी जी मेरी बात वो लिखो सभी, मेरे घर वाला गुम हो गया है। कहते कैसे उसका ये लिखाओ। कैसा था, लंबा कितना था? कहती जी लंबा तो था वो 6.5-7 फुट था। अच्छा जी। रंग कैसा था? कहने लगी जी घोरा था रंग। भतीजा बोलता माता तुम्हारे वाला तो वो तो था सारा 4-4.5 फुट का। तो रंग का भी काला था, तो तू ऐसा लिखा रही है 6-7 फुट था। कहती वो तो गुम हो गया, चलो वो अच्छा मिल जाएगा। पापा जी, आप सुना है लता जी को भी आप काफी पसंद करते हैं, उनके गानों को भी। हाँ जी। पापा जी, अगर उनकी गाने की कोई दो लाइनें हमारे दर्शकों के लिए हो जाए, मजा आ जाए। क्योंकि ये दर्द चिट्ठी है
चिट्ठियां ली दर्द भरा कुबाली चिट्ठियां दर्द भरा कुबालिए ओ ले जा सनेहा सुन यार दा ओ ले जा सुन यार दा ओ ले जा सुन यार दा ओ ले जा सनेहा सुन यार दा चिट्ठिए दर्द भरा कुबालिए ले जा ले जा गुबालिए ओ ले जा सुनेहा सुनिया ओ ले जा सुनेहा सुनिया ओ सुने यार दा ओ सुने यार दा ओ सुने यार दा क्या बात है वाह 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 वाह